बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में स्केयर रूट फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर ए 28 होल 4/9। अब यहाँ पे हमने इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 28 होल 4/9। मिस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे 28 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 252। ऐड करेंगे यहाँ पे 4 को, यहाँ पे 4 ऐड किया तो यहाँ पे वैल्यू आई है 256। यहाँ पे राइट करेंगे 256 डिवाइड बाय 9 अंडर स्केयर रूट। अब यहाँ पे हमने 256 का भी स्केयर रूट फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 9 का भी स्केयर रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 256। 56 फर्स्ट पेयर है, 2 सिंगल वैल्यू है, 1 1 द 1। माइनस करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ पे राइट करेंगे 56। 2 के साथ न्यू नंबर लेंगे 6, 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 156। माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज 0। अब यहाँ पे राइट करेंगे 9, 3 3 द 9। माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज 0 तो यहाँ पे राइट करेंगे आंसर इज 16 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे आप आंसर 16 डिवाइड बाय 3 भी राइट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आंसर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं। 16 को डिवाइड करें 3 पे तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी आप आंसर राइट कर सकते हैं। बुक पे आंसर है 16 डिवाइड बाय 3, इस वजह से यहाँ पे मैं मिक्स फ्रैक्शन में आंसर राइट नहीं कर रही। तो यहाँ पे आंसर है 16 डिवाइड बाय 3। पार्ट नंबर बी 17 होल 128 डिवाइड बाय 289। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। यहाँ पे राइट करेंगे 17 होल 128 डिवाइड बाय 289 अंडर स्केयर रूट। यहाँ पे वर्किंग में 289 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 4913। इसमें ऐड करेंगे 128, यहाँ पे मैंने ऐड किया है 128 को तो यहाँ पे वैल्यू आई है 5041। यहाँ पे राइट करेंगे 5041 डिवाइड बाय 289 अंडर स्केयर रूट इज इक्वल 5041 को राइट करेंगे अंडर स्केयर रूट। यहाँ पे राइट करेंगे 289 अंडर स्केयर रूट। अब यहाँ पे इनका स्केयर रूट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 5041, 41 फर्स्ट पेयर है, 50 सेकेंड पेयर है, 7 7 द 49। माइनस करेंगे इसको, 50 में से 49 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 1। यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर राइट करेंगे, 7 में 7 ऐड करेंगे 14। 14 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 1, यहाँ पे राइट करेंगे 1, यहाँ पे राइट करेंगे 141। माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज 0। यहाँ पे राइट करेंगे 289, 89 फर्स्ट पेयर है, 2 सिंगल वैल्यू है, 1 1 द 1। माइनस करेंगे यहाँ पे, रिमेनिंग वैल्यू इज 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ पे राइट करेंगे 89। 2 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 7, 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 189। माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज 0। अब यहाँ पे इसका भी स्केयर रूट सॉल्व कर लिया, इसका भी स्केयर रूट सॉल्व कर लिया। यहाँ पे राइट करेंगे 71 डिवाइड बाय 17। अब यहाँ पे ये आंसर है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन पे भी राइट कर सकते हैं, यानी कि 71 को डिवाइड करके 17 के साथ। बुक पे आंसर ये है तो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ 71 डिवाइड बाय 17, इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर सी 101 होल 92 डिवाइड बाय 169। मिक्स फ्रैक्शन को राइट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे राइट करेंगे 101 होल 92 डिवाइड बाय 169 अंडर स्केयर रूट। अब यहाँ पे राइट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 169 को मल्टीप्लाई किया है 101 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 17069। अब यहाँ पे वैल्यू ऐड की है 92 तो यहाँ पे वैल्यू आई है 17161। यहाँ पे राइट करेंगे 17161 डिवाइड बाय 169 अंडर स्केयर रूट। यहाँ पे राइट करेंगे 17161 अंडर स्केयर रूट डिवाइड बाय 169 अंडर स्केयर रूट। अब यहाँ पे वैल्यू का स्केयर रूट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 17161, 61 फर्स्ट पेयर है, 71 सेकंड पेयर है, 1 सिंगल वैल्यू है,
वन वन द वन माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू जीरो। यहाँ पे कंप्लीट पेयर ऐड करेंगे 71, वन में वन ऐड करेंगे टू, टू के साथ न्यू नंबर लेंगे थ्री, यहाँ पे भी ऐड करेंगे थ्री, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 69। 11 में से 9 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 2। अब यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर राइट करेंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, यहाँ पे राइट करेंगे 2। न्यू नंबर यहाँ पे राइट करेंगे 1, यहाँ पे भी राइट करेंगे 1, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 261, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 0। यहाँ पे राइट करेंगे 169, 69 फर्स्ट पेयर है, वन सिंगल वैल्यू है, वन वन द वन माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू जीरो। वन में वन ऐड करेंगे टू, यहाँ पे राइट करेंगे 69। अब यहाँ पे टू के साथ न्यू नंबर यहाँ पे राइट करेंगे थ्री, यहाँ पे भी राइट करेंगे थ्री, 23 को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 69, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज जीरो। सो आंसर इज 131 डिवाइड बाय 13। आप यहाँ पे 131 को डिवाइड भी कर सकते हैं 13 पे, आंसर को मिक्स फ्रैक्शन पे भी राइट कर सकते हैं। बुक पे आंसर ये है, इस वजह से यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ 131 डिवाइड बाय 13, इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 3, 0.053361, यहाँ पे राइट करेंगे 0.053361 अंडर स्केयर रूट। अब यहाँ पे इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 0.053361। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है और यहाँ पे ये थर्ड पेयर है। यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले पॉइंट, फाइव को सॉल्व करेंगे टू टू द फोर, माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज़ वन। अब यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर राइट करेंगे 33, टू में टू ऐड करेंगे फोर, वर्किंग में फोर के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे थ्री, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 129, यहाँ पे राइट करेंगे थ्री, यहाँ पे भी राइट करेंगे थ्री और यहाँ पे राइट करेंगे 129, माइनस करेंगे ये वैल्यू, 13 में से 9 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, यहाँ पे राइट करेंगे 4, ये कंप्लीट पेयर यहाँ पे राइट करेंगे। वर्किंग में 46 के साथ नंबर राइट करेंगे 1, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 461, यहाँ पे राइट करेंगे 1, यहाँ पे भी राइट करेंगे 1, यहाँ पे वैल्यू आई है 461, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को सॉल्व करके आंसर आया है 0.231। सो आंसर इज 0.231। पार्ट नंबर ई 0.204304, अब यहाँ पे इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करेंगे, 04 फर्स्ट पेयर है, 43 सेकंड पेयर है, 20 थर्ड पेयर है। अब यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले राइट करेंगे 0। अब यहाँ पे हमने 20 को सबसे पहले सॉल्व करना है, 4 द 16, माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4, यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर राइट करेंगे, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, वर्किंग में 8 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 5, 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 425, यहाँ पे राइट करेंगे 5, यहाँ पे भी राइट करेंगे 5, यहाँ पे राइट करेंगे 425, माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 1 कैरी दे देंगे 8 को, यहाँ पे राइट करेंगे 9, ये कंप्लीट पेयर यहाँ पे राइट करेंगे, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1804, यहाँ पे राइट करेंगे 1804, यहाँ पे राइट करेंगे 2, यहाँ पे भी राइट करेंगे 2, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 0। सो आंसर इज 0.452। पार्ट नंबर एफ 152.7696, अब यहाँ पे इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करेंगे, 96 फर्स्ट पेयर है, 76 सेकंड पेयर है, यहाँ पे पॉइंट से पहले 52 पेयर है और 1 सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे 1, 1 द 1, माइनस करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू 0, 52 कंप्लीट पेयर राइट करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 2, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ न्यू नंबर लेंगे 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 44, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, अब यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, यहाँ पे राइट करेंगे 2, अब यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर राइट करेंगे 76, वर्किंग में 24 के साथ नंबर राइट करेंगे 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 729, यहाँ पे राइट करेंगे 729, यहाँ पे राइट करेंगे 3, यहाँ पे भी राइट करेंगे 3, माइनस करेंगे 16 में से 9 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 7, 6 में से 2 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 4, रिमेनिंग वैल्यू इज 1, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 4, 2, अब यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर राइट करेंगे 96, वर्किंग में 246 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 14,796, यहाँ पे राइट करेंगे 14,796, यहाँ पे राइट करेंगे 6, यहाँ पे भी राइट करेंगे 6, रिमेनिंग वैल्यू इज 0, सो आंसर इज 12.36। पार्ट नंबर जी 0.2569 4, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 0.25694, यहाँ पे पॉइंट के बाद 25 पेयर है, 69 पेयर है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 0.55 द 25, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 0, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 69 कंप्लीट पेयर यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे 69 के साथ नेक्स्ट पेयर भी हमने यहाँ पे राइट करना है, क्योंकि यहाँ पे 10 के साथ जब न्यू नंबर राइट करेंगे, अगर हम 0 भी राइट करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने सेकंड पेयर भी राइट करना है। सेकंड पेयर राइट करने के लिए यहाँ पे इसको कंप्लीट पेयर में राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल वैल्यू है 4, पेयर में राइट करने के लिए यहाँ पे 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये सेकंड पेयर राइट करेंगे 40, और यहाँ पे भी राइट करेंगे 0, और यहाँ पे भी राइट करेंगे 0। वर्किंग में 100 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 6036, यहाँ पे राइट करेंगे 6, यहाँ पे भी राइट करेंगे 6, यहाँ पे राइट करेंगे 6036, 10 में से 6 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 4, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, और यहाँ पे राइट करेंगे 9, 6 में 6 ऐड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 12, यहाँ पे राइट करेंगे 0 एंड 1। अब यहाँ पे देखें ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद अप टू 3 डिजिट तक इसको सॉल्व करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आंसर इज 0.506। पार्ट नंबर ए 38.01, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे पेयर है 01, पॉइंट से पहले पेयर है 38, 66 द 36, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 2, अब यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट, ये कंप्लीट पेयर यहाँ पे राइट करेंगे, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 1, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 121, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ पे राइट करेंगे 2 और यहाँ पे राइट करेंगे 1। अब यहाँ पे ये स्मॉलर वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे हम कंप्लीट पेयर राइट करेंगे 0 का, यहाँ पे ये राइट करेंगे 0। अब यहाँ पे वर्किंग में 122 के साथ नया नंबर राइट करेंगे 6, 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 7356, यहाँ पे राइट करेंगे 6, यहाँ पे भी राइट करेंगे 6, यहाँ पे राइट करेंगे 7356, माइनस करेंगे इस वैल्यू को, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे, कैरी देते जाएंगे साथ साथ 4, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। अब यहाँ पे ये देखें ये स्मॉलर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 डिजिट तक इसको सॉल्व करेंगे, सो अप्रॉक्सीमेटली 6.16 इट इज आंसर। पार्ट नंबर आई 64.31, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 64.31, अब यहाँ पे 31 पेयर है पॉइंट के बाद, 64 पेयर है पॉइंट से पहले, यहाँ पे राइट करेंगे 8 द 64, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 0, 8 में 8 ऐड करेंगे 16। अब यहाँ पे ये पॉइंट राइट किया, उसके बाद आपने ये पेयर यहाँ पे राइट करना है 31, ये स्मॉलर वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे कंप्लीट पेयर राइट करेंगे, डिवीजन मेथड में हमेशा कंप्लीट पेयर राइट करते हैं, पॉइंट की वजह से यहाँ पे ये कंप्लीट पेयर राइट कर लिया, यहाँ पे राइट करेंगे ये 0। अब यहाँ पे टू पेयर्स
राइट किए हैं तो यहाँ पे भी राइट करेंगे जीरो और यहाँ पे भी राइट करेंगे जीरो। 160 के साथ नया नंबर राइट करेंगे वन, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1601। यहाँ पे राइट करेंगे वन, यहाँ पे भी राइट करेंगे वन, यहाँ पे राइट करेंगे 1601। माइनस करेंगे 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9, यहाँ पे राइट करेंगे 9, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2061। अब यहाँ पे एक पेयर और राइट करेंगे क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे ये पेयर राइट करेंगे वर्किंग में 1602 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 9, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1,44,261। यहाँ पे राइट करेंगे 9, यहाँ पे भी राइट करेंगे 9, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1,44,261। माइनस करेंगे इस वैल्यू को, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5। अब यहाँ पे ये स्मॉलर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद अप टू 3 डेसिमल तक आपने इसको सॉल्व करना है। अप्रॉक्सीमेटली आंसर इज 8.019।